हेलो हेलो वीओ स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी। यकीनन ही ये तो आप सभी जानते हैं कि बी टाउन की एक ऐसी जोड़ी है जिसको साथ देखने का हर किसी का ख्वाब होता है। वो जोड़ी हर वक्त हर फिल्म में साथ देखी जाए, यहाँ पर फैंस आए दिन डिमांड करते हैं। जी हाँ, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान और उनकी खूबसूरत दीवा कैटरीना कैफ के बारे में। ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भारत काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बनी रही, क्योंकि इस फिल्म ने जिस तरीके से बम्पर ओपनिंग की, इस फिल्म ने जिस तरीके से यहाँ पर डबल कलेक्शन किया, वो यकीनन ही सुर्खियों का कारण बना हुआ है। अब ऐसे में फिल्म भारत में तो इन दोनों की खास बॉन्डिंग को यकीनन आप सभी ने देखा होगा। फिल्म भारत में तो जो कहानी, जो स्टोरी लाइन रही सलमान और कैटरीना के बीच का, वो प्यार रहा, वो साफ तौर पर देखा गया। अब चलिए, फैंस को एक और बड़ा तोहफा सलमान और कैटरीना ने दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में कहा ये जा रहा है कि अब सलमान और कैटरीना के चाहने वाले रेडी हो जाएं, क्योंकि भारत के बाद अब टाइगर 3 में होगी सलमान और कैटरीना कैफ की हिट जोड़ी। जी हाँ, आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि सलमान खान और कैटरीना की फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर एक साथ फिर से काम करने जा रहे हैं। इस बार तीनों सलमान खान अभिनेता फिल्म टाइगर जिंदा है के अगले भाग में नजर आएंगे। इसके पहले तीनों फिल्म में भारत में एक साथ दिख चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खबरों की माने तो अली अब्बास जफर ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। वो इसकी जनवरी में 2020 में बनाना शुरू करेंगे। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी खूबसूरत हसीना कैटरीना को सब देखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन तीनों ने पहले टाइगर जिंदा है भारत एक साथ इन फिल्मों में काम किया, जहाँ पर 2012 में रिलीज हुई थी एक था टाइगर, जो बॉक्स ऑफिस पर 186 करोड़ कमा चुकी थी, और वही 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है ने 3.39 करोड़ रुपीस कमाए थे। और अगर भारत की बात करें तो भारत तो अब तक जो है इस साल की सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार हो चली है, और कहीं ना कहीं 200 करोड़ के क्लब में भारत की एंट्री हो गई है। अब ऐसे में यकीनन ही चाहने वाले जो है वो खुशी से झूम रहे होंगे। चलिए, इस जोड़ी को अक्सर ही फैंस इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं कि सलमान कैटरीना शादी के बंधन में बंधे। चलिए, शादी हो या ना हो, मगर हाँ एक चीज है कि ये दोनों जो है वो साथ एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों जो साथ फिल्मों में जब काम करते हैं तो इनकी खास ट्विनिंग को देखा जाता है। कई बार प्रमोशंस के दौरान भी देखा गया है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की ये जो खास बॉन्डिंग है, हालांकि शादी नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो वो प्यार है, जो वो नोक झोंक है, वो रिश्ते में साफ तौर पर देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं खूबसूरत भी है और कहीं ना कहीं इनके छुपा और कहीं ना कहीं इनके लुका छुपी वाले प्यार को भी झलका रही है। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई है भारत। अब ऐसे में ही इस साल सलमान कैटरीना फैंस को जहां पर ये दूसरी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो खुशखबरी फैंस सुनना चाहते हैं वो भी सलमान और कैटरीना बेहद ही जल्द दे दें कि हाँ अब वो शादी के बंधन में बंधेंगे। खैर, आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सलमान खान और कैटरीना की शादी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या सच में सलमान और कैटरीना इस साल शादी करके ये खुशखबरी देंगे, क्या इस साल सच में सलमान कैटरीना की शादी हो जाएगी, खैर आने वाला समय बताएगा और हम भी आपको सबसे पहले ये गुड न्यूज़ आप तक पहुँचाएंगे।